सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्रिप फिटिंग के बारे में या क्रिप मिक्सर के बारे में, जो पिछली क्लास थी उसमें अधूरा ही रह गया था। तो आज अपन पढ़ेंगे क्रिप मिक्सर। तो क्रिप मिक्सर किस प्रकार बनाते हैं और क्रिप मिक्सर का क्या क्या कंपोजिशन है, वो इस क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो जब भी अपन क्रिप मिक्सर बनाते हैं तो उस क्रिप मिक्सर में अपने को मक्के का आटा, जौ का आटा, जई का आटा, मूंगफली की खल, गेहूं की चापड़, चावल की पॉलिश, फिश मील, मीट मील, मिनरल मिक्सर व नमक आदि को मिलाकर क्रिप मिक्सर बनाया जाता है। और जो भी क्रिप मिक्सर होता है उसमें ये सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में होने चाहिए। और क्रिप मिक्सर नवजात बच्चे को दिया जाने वाला ऐसा आहार होता है जिसमें उसकी सभी आवश्यक क्रियाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व निश्चित मात्रा में और संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और इसी कारण जो नवजात बच्चा है वो अपनी शारीरिक ग्रोथ अच्छी कर पाता है। तो इस क्रिप मिक्सर की जो खुराक है वो नवजात लैम में या भेड़ के बच्चे में कितनी होती है, वो है जो आपके 110 से 130 ग्राम प्रतिदिन है। और क्रिप मिक्सर नवजात का बच्चे को 10 दिन की एज से 90 दिन की एज तक दिया जाता है, यानी पैदा होने के पश्चात एक सप्ताह से लेकर 3 माह की एज तक लैम को क्रिप मिक्सर दिया जाता है। और इस क्रिप मिक्सर की मात्रा 110 ग्राम से 130 ग्राम प्रतिदिन होती है। इसके साथ साथ जो अपना क्रिप मिक्सर होता है उसमें कुछ मात्रा में अपने को एंटीबायोटिक्स भी मिलानी है ताकि लैम की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो। नेक्स्ट है कि जब भी लैम की एज 90 दिन की हो जाती है या वह 3 माह की उम्र का हो जाता है तो उसके पश्चात क्रिप मिक्सर की मात्रा बढ़ाकर लगभग 300 ग्राम कर दी जाती है और लैम को प्रतिदिन 300 ग्राम क्रिप मिक्सर दिया जा सकता है। और जैसे ही भेड़ का बच्चा है पैदा होता है तो पैदा होने से लेकर 90 दिन की एज तक उसको माँ का दूध भी पिलाना है। और अगर अपन विनिंग पद्धति अपना रहे हैं तो विनिंग पद्धति अपनाने के लिए भेड़ के बच्चे को जितनी उसको आवश्यकता हो आवश्यकता अनुसार हरा चारा, क्रिप मिक्सर और कुछ मात्रा में दाना है वो भी उसको अतिरिक्त मात्रा में देना चाहिए ताकि उसकी शारीरिक ग्रोथ अच्छी हो सके और नवजात का पालन पोषण भी अच्छा हो सके। अब अपन देखेंगे कि अगर लैम को अपन कंसंट्रेट या दाना दे रहे हैं तो वो दाना है जो उसको कितना देना है और कौन कौन से दाने की मात्रा कितनी रखनी है। अगर अपन उसको गेहूं या चावल की चोकर दे रहे हैं तो वो अपने को जितना भी अपन दाना देते हैं उस दाने का 40% होना चाहिए। अगर मक्का दे रहे हैं तो मक्के का दाना दे रहे हैं तो मक्के का दाना अपने को पशु के आहार में 25% सम्मिलित करना है। अगर मूंगफली की खल दे रहे हैं तो वो अपने को 32% उस लैम्ब के फीड में ऐड करना है। और अगर अन्य कोई भी खल है तो उसकी मात्रा भी उस खल के TDN और DCP के आधार पर उसकी मात्रा निर्धारित की जाती है। और उस संपूर्ण आहार का 2% मिनरल मिक्सर व 1% नमक भी लैम्ब को दिया जाता है। इसके अलावा जब अपन बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लैम्ब को दाना मिश्रण देते हैं तो उसके कितने किलो शरीर भार पर कितना दाना देना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। तो मान लो अपने पास अच्छी क्वालिटी का फीडर अवेलेबल है, यानी हरा चारा वगैरह है जो अच्छी क्वालिटी का है और अपने को दाना भी देना है तो अपन जब नवजात बच्चे का शरीर भार 10 से 15 किलो होता है तो उसको प्रतिदिन 50 ग्राम दाना देना चाहिए। अगर अपने पास अच्छी गुणवत्ता का हरा चारा वगैरह उपलब्ध नहीं है तो उस लैम्ब को प्रतिदिन अपन 300 ग्राम दाना मिश्रण देंगे। अगर
लैम्ब का वजन 10 से 15 किलो है तो, अगर लैम्ब का वजन 16 से 25 किलो है और अपने पास अच्छी मात्रा में हरी घास वगैरह उपलब्ध है तो उस नवजात बच्चे को 100 ग्राम प्रतिदिन दाना मिश्रण देना चाहिए। अगर इसी लैम्ब के लिए अगर अपने पास हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो उसको प्रतिदिन 400 ग्राम अतिरिक्त दाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जब लैम्ब का शरीर भार 26 से 35 किलो के लगभग हो जाता है या 40 किलो के लगभग हो जाता है और अपने पास अच्छी किस्म का अच्छी क्वालिटी का फलीदार हरा चारा उपलब्ध है तो उस लैम्ब को प्रतिदिन 150 ग्राम दाने मिश्रण की आवश्यकता होती है। और अगर अच्छी क्वालिटी का हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो उसी लैम्ब को प्रतिदिन लगभग 600 या 650 ग्राम दाना मिश्रण की आवश्यकता होती है। तो ये था अपना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लैम्ब को दाना मिश्रण देना। और अगर अपन भेड़ के बच्चे को मीट प्रोडक्शन के लिए रख रहे हैं तो मीट प्रोडक्शन के लिए रखेंगे तो उसको जो भी अपन आहार देते हैं वो आहार नवजात के मोटा होने के लिए या उसको फैटी बनाने के लिए देते हैं अपन, तो ऐसे बच्चे को अपने को किस प्रकार का आहार देना चाहिए कि जिस लैम्ब को अपन मीट प्रोडक्शन के लिए पाल रहे हैं या जिसका पालन पोषण अपन मांस उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो उस लैम्ब को प्रतिदिन जो भी उसका अपन दाना मिश्रण देते हैं या आहार देते हैं उस संपूर्ण आहार का दो भाग दाने से भरा हुआ होना चाहिए या उस संपूर्ण आहार का 2% भाग दाना, 1% भाग ब्रान का या जिसको चोकर भी बोलते हैं और उस चोकर के साथ साथ अपने को कुछ मात्रा में मिनरल मिक्सर भी मिलाना है, 50-60 ग्राम नमक भी मिलाना है और कुछ ऐसे पदार्थ या ऐसे फीड एडिटिव मिलाने हैं जिसमें विटामिन की मात्रा अधिक हो, क्योंकि शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन और विटामिन आवश्यक लवण होते हैं, आवश्यक तत्व हैं। इसके साथ ही अगर अपने पास बीजीय खड़ या कोई भी ऑयल केक है तो वो भी अपन उस संपूर्ण आहार का 1% ऑयल केक भी उस लैम्ब के फीड में शामिल कर सकते हैं। अगर ऐसा आहार अपन लैम्ब को प्रतिदिन देंगे तो उसकी शारीरिक ग्रोथ जल्दी हो जाएगी और कम समय में अपने को अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो एक लैम्ब को फैटी या हेल्थी बनाने के लिए या उसको मोटा करने के लिए उसके जो भी आहार दे रहे हैं उस आहार में 2% सीरियल ग्रेन, 1% ब्रान, 1% ऑयल केक, 50-60 ग्राम मिनरल मिक्सर, 30-40 ग्राम नमक और कुछ मात्रा में विटामिन को मिलाना आवश्यक होता है ताकि लैम्ब जल्दी शारीरिक ग्रोथ कर सके। और ये सब मिलाकर जो भी अपन खुराक बनाते हैं उस खुराक की मात्रा एक दिन में उस बच्चे को कितनी देनी है, एक दिन में उसको अपन उसके शरीर भार के अकॉर्डिंग देंगे और शरीर भार के अकॉर्डिंग मान लो कि 20 किलो का लगभग लैम्ब है तो उस 20 किलो के लैम्ब को 110 से 200 ग्राम के लगभग प्रतिदिन अपन उसको ये फीड मिक्सर दे सकते हैं ताकि उसकी शारीरिक ग्रोथ जल्दी हो सके और उसका मीट प्रोडक्शन भी बढ़ सके। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भेड़ को प्रजनन हेतु पोषण की आवश्यकता।